सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरीके से इस तरीके के थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस तरह के थंबनेल को आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इस तरह की कलर ग्रेडिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली गैलरी पे जाना है। उसके बाद इस तरीके के बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रकार का एक बैकग्राउंड को आपको ऐड करना है। तो इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद कुछ इस जगह पे आपको सेट करना है। उसके बाद इसका लेयर को लॉक करना है। उसके बाद इसका जो ओपेसिटी लेवल है आपको 10 टू 11 के बीच में रखना है। ओके, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आपको इस जगह पे क्या करना होगा, टेक्स्ट ऐड करना है। तो चलिए इस जगह पे हम पहला जो टेक्स्ट है YouTube, उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले YouTube हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इसका जो फॉन्ट रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉन्ट का आपको यूज़ करना है। आप कोई सा भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जो फॉन्ट का यूज़ करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको स्टाइल देना है इटैलिक। उसके बाद इसका राइट पेडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। उसके बाद इसका इनर शैडो के सेक्शन में आपको जाना है। उसके बाद इसका जो इनर शैडो है हल्का सा आपको डार्क व्हाइट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यानी कि हल्का सा ग्रे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका ब्लर रेडियस, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई को कुछ इस प्रकार का आपको सेट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद डन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम जो सेकेंड टेक्स्ट है उसे लिखने के लिए अपने लेयर को कॉपी करना है। उसके बाद इसका सेकेंड टेक्स्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा करके इस जगह पर आपको सेट कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर से इसका लेयर को आपको कॉपी करना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड टेक्स्ट है न्यू, तो उसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर से इसे डन पे क्लिक करते हैं, उसे अच्छे तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यानी कि हमारे टेक्स्ट का गैप, अपना टेक्स्ट का साइज, सारी की सारी कुछ मैटर करता है अपने थंबनेल को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टेस्ट है मोनेटाइजेशन, तो उसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है आपको येलो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं कलर के सेक्शन में चलता हूँ। उसके बाद इसका कलर को हम येलो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इस पे आपको शैडो इफेक्ट्स को भी ऐड करना है। तो उसके लिए मैं इनर शैडो के सेक्शन में चलते हैं। उसके बाद इसका जो इनर शैडो रहेगा हल्का सा आपको डीप येलो को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो इसका लेयर को आपको कॉपी कर लेना है। तो इसका लेयर को कॉपी करने के बाद अपना जो नेक्स्ट टेक्स्ट है अपडेट, उसे हम लिख लेते हैं। तो ये जो अपडेट लिखने के बाद डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे जो सारी की सारी टेक्स्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सारी की सारी लेयर को हम लॉक कर लेंगे। ओके, ताकि ये इधर उधर ना जाए। तो सारी की सारी लेयर को लॉक हो जाने के बाद इस जगह पर आपको एक PNG का ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए चले चलते हैं गैलरी पे। उसके बाद जो डॉलर का साइन है उसका PNG को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद छोटा करके इस जगह पे आपको रोटेट करना है। उसके बाद आपको जाना है शैडो के सेक्शन में। इस जगह पे आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसका कलर को आपको व्हाइट पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका ब्लर रेडियस को एकदम से कम कर लेना है। उसके बाद ऑफसेट को थोड़ा सा और ऑफसेट वाई को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद इसका लेयर को आपको क्या करना होगा, सिंपली इसका लेयर को भी कॉपी कर लेना है, यानी डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इसका जो लेफ्ट साइड पर आपको इस जगह पर सेट कर देना है। फिर से आपको क्या करना होगा, इसका लेयर को हम लॉक कर लेते हैं। उससे पहले और एक PNG है जो स्ट्रेट लाइन का PNG है, उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो सारी सारे मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड ईजी कर सकते हो। ओके, तो इसका भी कलर हम येलो को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको भी आपको इनर शैडो देना है, सेम तरीके से जिस तरीके से हम अपडेट पे दिए थे। ओके, तो इतना सा काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम इनका लेयर को लॉक कर लेते हैं, ताकि अपना जो थंबनेल है जितने भी काम किए हो वो बिगड़ ना जाए। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जगह पे एक यानी कि व्हाइट शैडो PNG को ऐड करना होगा। तो उसके लिए चले चलते हैं हम अपने डाउनलोड के सेक्शन में। उसके बाद उस PNG को हम ऐड करते हैं। तो उस PNG ऐड हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, बड़ा करना है। उसके बाद इसका कलर को आपको चेंज करना है। तो इसके कलर के सेक्शन में चले चलते हैं। उसके बाद एक कलर को क्रिएट कर लेते हैं। इसका जो कलर रहेगा कुछ इस प्रकार का कलर को आपको क्रिएट कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसका आपको शैडो के सेक्शन में जाना है। उसके बाद इसका भी शैडो के कलर भी इसी को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसका जो पोजीशन रहेगा वो अपडेट के ठीक बैक पे रहेगा। ओके, उसके बाद सारे के सारे लेयर को लॉक करना है। उसके बाद आप फिर से गैलरी पे जाना है। उसके बाद हमारा जो यूट्यूब का PNG है उसे हमें ऐड करना है। तो PNG को ऐड हो जाने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसको एडजस्ट करके इस जगह पर सेट करते हैं। उसके बाद इस पर आपको 3D रोटेट ऐड करना है। तो उसके लिए चलते हैं हम 3D रोटेट के सेक्शन में। और इस जगह पर आप वाइक्स को और एक्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके, यानी कम या ज़्यादा करके आपको देख लेना है। उसके बाद इसका जो यानी कि वर्टिकल लाइन है उसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे शैडो के सेक्शन में जाके आप शैडो देख सकते हो।
तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप इस तरीके से आपको शैडो दे देना है। उसके बाद इनर शैडो के सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको हल्का सा व्हाइट शैडो को आपको ऐड करना है, उसका ओपेसिटी लेवल को एकदम से आपको कम कर देना है कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसका लेयर को आपको लॉक कर देना है। उसके बाद इस जगह पर आपको एक PNG ऐड करना होगा, यानी कि हमारा जो खुद का PNG रहेगा उसके बैकग्राउंड पर एक PNG रहता है, उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा इसे क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप करने के बाद इसे रोटेट करके कुछ इस जगह पर हमें अच्छी तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है, ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका लेयर को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद हमारा जो खुद का जो PNG है उसे हमें ऐड करना है। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम गैलरी पे। उसके बाद हमारा जो PNG है उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो PNG ऐड हो जाने के बाद इसे 3D रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो उंगली है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, ओके, कुछ इस प्रकार को। उसके बाद इसका और एक आपको लाइट PNG को ऐड करना होगा। तो उसके लिए चले चलते हैं हम गैलरी पे। उसके बाद इस तरीके करने के बाद इसका जो कलर है हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो ओपेसिटी लेवल आपको थोड़ा सा कम कर देना है। तो सबसे पहले इसका जो ओपेसिटी लेवल हम कम कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली इसका जो पोजीशन रहेगा अपना जो खुद का PNG के नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप इस तरीके थंबनेल को बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी अगर कुछ कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके। मेरा इंस्टा आईडी है 94 गुरुंड, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेज वीडियो के साथ या वीडियो के साथ, तब देख के लिए अच्छे रहे।